हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। और मैं पहुंच गया हूँ सिकोहाबाद, अभी जस्ट उतरा हूँ और यहाँ से मैंने ऑटो को अभी लिया है और मैं जा रहा हूँ JS यूनिवर्सिटी। सो गाइस, अभी हे गाइज, मैं अभी जस्ट पहुंच गया हूं JS यूनिवर्सिटी सिकोहाबाद। और चलिए मैं आपको यहां से सब कुछ कैंपस टूर करवाता हूं JS यूनिवर्सिटी का। ये देखिए, ये है मेन गेट, एंट्रेंस गेट। सो दोस्तों, चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दे और एक लाइक जरूर कर दे। सो ये दोस्तों, मैं अभी इंटर कर चुका हूं अंदर और ये देख रहे हैं जो ये है मेन कैंपस है, जो कि आप इंट्रेंस गेट से अंदर जैसे ही आओगे तो बिल्डिंग दिखेगा और ये सब पूरा गार्डन दिखेगा। और ये सब जो देख रहे हैं गार्डन, वो यूनिवर्सिटी का ही गार्डन है। ये सब यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा एरिया में कैंपस है और बहुत ही खूबसूरत यूनिवर्सिटी है और AICTE से अप्रूव्ड है ये यूनिवर्सिटी। सो हे गाइज, मैं अभी जा रहा हूँ उधर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के तरफ। वो देख रहे हैं वो जो सब कैंपस है, वो टेक्निकल डिपार्टमेंट का कैंपस है JN यूनिवर्सिटी का। यहाँ पे सिर्फ इंजीनियरिंग का पढ़ाई होता है। बस हम लोग अब उस बिल्डिंग के तरफ मुड़ने वाले हैं और पहुँचने ही वाले हैं। मैं आपको सारा इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, मैकेनिकल डिपार्टमेंट, कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट, मतलब सिविल डिपार्टमेंट, जितना भी इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट होता है सब इसी बिल्डिंग में पढ़ाई होता है। और इधर फुटबॉल का ग्राउंड था और ये देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रिकल बिल्डिंग है, ये टेक्निकल बिल्डिंग है JS यूनिवर्सिटी का। देख रहे हैं कितना खूबसूरत है कैंपस, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही बढ़िया कैंपस है, बहुत दूर में, बहुत एकड़ में फैला हुआ है। और ये किसी और का नहीं, जो हमारे यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव, उन्हीं का ये कॉलेज है JS यूनिवर्सिटी। इधर देख रहे हैं, इधर प्रोफेसर सब के लिए पार्किंग एरिया है और इधर प्रिंसिपल ऑफिस भी है इनका। सो गाइस, देख रहे हैं कितना खूबसूरत, अच्छे से अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है बना हुआ, 2015 में एस्टेब्लिश्ड हुआ था। सो अभी ज़्यादा नहीं, 8 ईयर्स हुए हैं। और ये देखिए एकेडमिक कैंपस है उधर। सो हे गाइस, मैं अभी कॉलेज के अंदर इंटर कर गया हूँ और मैं दिखाता हूँ आप सभी को कॉलेज के अंदर कहाँ पे क्या पढ़ाई होता है, क्लासरूम वगैरह वगैरह, ये सब लैब वूब, ये सब कुछ मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है क्लासरूम है, जो आप बच्चे लोग, यहाँ पे ड्राइंग रूम है, इंजीनियरिंग ड्राइंग रूम है, यहाँ पे पढ़ाई होती है। और इधर भी देखिए, इधर भी क्लासरूम है दोस्तों। सो देख रहे हैं ना, क्लासरूम सब कुछ मैंने आपको दिखा दिया हूँ अच्छे से। और अब चलते हैं आगे और मैं आपको सब कुछ आगे दिखाता हूँ। यहाँ पे अभी कॉलेज खुला हुआ है, बच्चे लोग आए हुए हैं पढ़ने के लिए। और आपको जिस चीज़ में भी एडमिशन लेना हो, BEd, MEd, DLEd, इंजीनियरिंग, BPharma, आप जो भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो एडमिशन लेने से पहले एक बार कॉलेज कैंपस आके ज़रूर टूर कर ले। बहुत ही अच्छा कैंपस है और कम बजट में, ज़्यादा फीस भी नहीं है कोई कोर्स का। हम सब के मिडिल क्लास फैमिली के लिए, गरीब परिवार के बच्चों के लिए भी ये अफोर्डेबल है, आराम से सब बच्चे पढ़ सकते हैं यहाँ, कोई अमीरी और गरीबी नहीं देखा जाता। यहाँ पे देख रहे हैं सब कुछ, ये कंप्यूटर लैब भी है इधर सब कुछ। सो दोस्तों, अभी हम आ गए हैं डेस्क बोर्ड पे। यहाँ पे आपको कोई भी इंक्वायरी फॉर्म भरना होगा तो आप यहाँ पे फॉर्म फिलअप करके एडमिशन इंक्वायरी कर सकते हैं। सो दोस्तों, कैसा लगा हमारा JS यूनिवर्सिटी का कैंपस टूर, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।